डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को? हम यही संदेश देंगे कि भीमराव अंबेडकर जी हमारे देश के एक अनमोल रत्न थे, जो आज भी हम लोगों के बीच उनकी उपलब्धियां, उनकी ख्यातियां हमेशा आए दिन चर्चा होते रहती है। हम लोग समाज में जागरूकता के आधार पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उदाहरण के रूप में हम लोग पेश करते हैं, और वो एक जीता जागता उदाहरण है कि देश में आज जो भी क्रांति आई है, जो भी देश में विकसित हुआ है, यह इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है उनकी। वो जिस समाज से आते थे, उस समाज से, उस वर्ग को, जो वर्ग दबाते थे, जो कुचलते थे, आज तो देखने को यही मिल रहा है, उन्हीं का देन है कि वो वर्ग भी जो उनको दबाते थे, वो भी उन पे मालार्पण कर रहे हैं, वो भी उनको माला पहनाते हैं। एक बहुत बड़ा यह बात है, ये बाबा भीमराव जी का ही देन है कि जो उनको दबाते थे, वही आज उनकी प्रतिमा पर माला अर्पण करते हैं, एक उपलब्धि मानते हैं। और जो भी उनका कार्यशैली रहा, उस कार्यशैली को देखते हुए आज के दिनों में बहुत सारे लोग उस पर पहल कर रहे हैं, चल रहे हैं, और उसकी उपलब्धियां उन्हें खुद महसूस हो रही हैं कि बाबा भीमराव जी का जो भी मंत्र था, तीन मंत्र, शिक्षा, संघर्ष, संगठित, यह तीनों मंत्र को देखते हुए आज सभी वर्ग विकसित हो रहे हैं, विकासशील हो रहे हैं, और इसी के साथ हमारा भारत भी विकसित हो रहा है, विकासशील हो रहा है। इसके लिए हम लोग हमेशा प्रत्येक वर्ष उनकी जन्मतिथि, जन्मदिन मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज हम लोगों का बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था, जो कि कार्यक्रम हम लोगों ने किया, सफल रहा। हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारे माननीय सचिव और माननीय कोषाध्यक्ष और हमारे माननीय सक्रिय सदस्य, सम्मानित सदस्य सभी उपस्थित रहे। जो हम लोग का संगठन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संस्था है, यह उस संस्था के अध्यक्ष हमारे माननीय पूर्व IPS राम जी भी उपस्थित हैं। उन्होंने माल्यार्पण किया, प्रारंभ किया इस कार्यक्रम का, उसके लिए भी उन्हें हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जय भीम, जय भारत।